एक हस्पताल दे मुलाजमां दी शरेआम गुंडागर्दी सामने आई है, जिन्हां ने मरीज दे परिवारक मैंबरां दे नाल बुरे तरीके दी कुटमार कीती है। इत्थों तक कि औरतां नूं भी नहीं बख्शिया गया ते इस कुटमार दे विच दो औरतां दे नाल नाल एक व्यक्ति जख्मी होया। तां जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि एक बच्चा इस हस्पताल दे विच भर्ती सी ते जदों उसदे परिवारक मैंबर उसनूं मिलण दे लई हस्पताल दे विच पहुंचे तां उत्थे हस्पताल दे कर्मचारियों दे नाल किसी गल नूं लैके बहस हो जाती है। बहस इस कदर वज जाती है कि जो हस्पताल दे कर्मचारी ने वह इकट्ठे होकर परिवारक मैंबरां दे उत्ते हमला बोल देंदे ने, जिस दे विच दो औरतां समेत एक व्यक्ति जख्मी हो जाता है। तो यह सारी घटना जो है कोल लगे सीसीटीवी कैमरे दे विच भी कैद हो गई है। तस्वीर साफ देखा जा सकता है कि नीले रंग के ड्रैसा पाइया हस्पताल के जो कर्मचारी ने उन्होंने वालों बुरे तरीके दे नाल परिवारक मैंबरां दे उत्ते मुक्कियां वरसाईया जा रही ने, घसुन वरसाए जा रहे हैं। तो इस घटनाक्रम के दसिया जा रहा है कि दो औरतों के नाल नाल एक व्यक्ति जख्मी होया। तो खबर यूपी के आगरा तो सामने आ रही है, जिते कि एक हस्पताल दे विच जदों कुछ परिवारक मैंबर अपने मरीज़ नूं मिलण दे लई पहुँचते हैं तो उत्थे पहला तो किसी गल नूं लैके हस्पताल के कर्मचारियों के नाल बहस हो जाती है, जिस तों बाद इकट्ठे हुए कर्मचारियों ने परिवारक मैंबरां दे उत्ते हमला बोल दिता ते घटना कोल लगे सीसीटीवी कैद हो गई है। देखिए एएस पे कई बार भी ये इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई है, उन पर कार्रवाई भी की गई है और विगत पिछली बार भी उन पर कार्रवाई करते हुए उनके सस्पेंड किया गया था लाइसेंस को, परंतु लगातार सूचना प्राप्त हो रही है और इस बार अगर ये घटना सत्य हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की स्टाफ द्वारा की गई न्यूसेंस और साथ में अगर कोई भी वहां के द्वारा जो परिजन है उनके द्वारा भी कोई भी हिंसा की जाती है तो जो भी जो थाना है उसको लिखा जाएगा कि जो भी जांच में जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, यदि अस्पताल दोषी होगा तो इसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। एक हस्पताल दे मुलाजमां दी शरेआम गुंडागर्दी सामने आई है, जिन्हां ने मरीज दे परिवारक मैंबरां दे नाल बुरे तरीके दी कुटमार कीती है। इत्थों तक कि औरतां नूं भी नहीं बख्शिया गया ते इस कुटमार दे विच दो औरतां दे नाल नाल एक व्यक्ति जख्मी होया। तां जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि एक बच्चा इस हस्पताल दे विच भर्ती सी ते जदों उसदे परिवारक मैंबर उसनूं मिलण दे लई हस्पताल दे विच पहुंचे तां उत्थे हस्पताल दे कर्मचारियों दे नाल किसी गल नूं लैके बहस हो जाती है। बहस इस कदर वज जाती है कि जो हस्पताल दे कर्मचारी ने वह इकट्ठे होकर परिवारक मैंबरां दे उत्ते हमला बोल देंदे ने, जिस दे विच दो औरतां समेत एक व्यक्ति जख्मी हो जाता है। तो यह सारी घटना जो है कोल लगे सीसीटीवी कैमरे दे विच भी कैद हो गई है। तस्वीर साफ देखा जा सकता है कि नीले रंग के ड्रैसा पाइया हस्पताल के जो कर्मचारी ने उन्होंने वालों बुरे तरीके दे नाल परिवारक मैंबरां दे उत्ते मुक्कियां वरसाईया जा रही ने, घसुन वरसाए जा रहे हैं। तो इस घटनाक्रम के दसिया जा रहा है कि दो औरतों के नाल नाल एक व्यक्ति जख्मी होया। तो खबर यूपी के आगरा तो सामने आ रही है, जिते कि एक हस्पताल दे विच जदों कुछ परिवारक मैंबर अपने मरीज़ नूं मिलण दे लई पहुँचते हैं तो उत्थे पहला तो किसी गल नूं लैके हस्पताल दे कर्मचारियों दे नाल बहस हो जाती है, जिस तों बाद इकट्ठे हुए कर्मचारियों ने परिवारक मैंबरां दे उत्ते हमला बोल दिता ते घटना कोल लगे सीसीटीवी कैद हो गई है। देखिए एएस पे कई बार भी ये इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है और विगत पिछली बार भी उन पर कार्रवाई करते हुए उनके सस्पेंड किया गया था लाइसेंस को, परंतु लगातार सूचना प्राप्त हो रही है और इस बार अगर ये घटना सत्य हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की स्टाफ द्वारा की गई न्यूसेंस और साथ में अगर कोई भी वहां के द्वारा जो परिजन है उनके द्वारा भी कोई भी हिंसा की जाती है तो जो भी जो थाना है उसको लिखा जाएगा कि जो भी जांच में जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, यदि अस्पताल दोषी होगा तो इसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।